दोस्तों सीबीएसई ICS या अदर बोर्ड के कोई भी विद्यार्थी हैं और वो बिहार बोर्ड में 11th में नामांकन कराना चाहते हैं तो उनका नामांकन नहीं होगा। कोई भी बोर्ड, जैसे कुछ विद्यार्थी ने कहा कि सर मैं झारखंड से हूँ, मैं महाराष्ट्र बोर्ड से हूँ, कोई भी बोर्ड के विद्यार्थी हैं तो उनका नामांकन 11th में जो है वो बिहार बोर्ड में BSEB में नहीं होगा। क्यों, क्या वजह, वीडियो को अंत तक देखें, शायद आपको कोई सॉल्यूशन मिल जाए और आपका नामांकन हो जाए। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि 11th में ऑनलाइन का आवेदन जो था पिछले कुछ महीने से चलता आ रहा था और बंद कर दिया जा चुका था। रिजल्ट निकलने के बाद OFSS के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका था, बहुत सारे बच्चों ने करवाया ऑनलाइन, लेकिन ऑनलाइन की प्रक्रिया रोक दी थी। अब जब CBSE बोर्ड का रिजल्ट आया तब फिर से नामांकन 16 तारीख से 20 तारीख तक शुरू कर दिया गया, और इस बीच में कहा गया था कि 16 से 20 तारीख के बीच में जो है जितने CBSE बोर्ड के विद्यार्थी हैं, ICS बोर्ड के विद्यार्थी हैं या फिर अदर कोई भी विद्यार्थी है, किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी हैं, वो अपना नामांकन यदि इस 20 तारीख से पहले करा लेते हैं, यानी टिल 20 तारीख तक वो अपना नामांकन करवा लेते हैं तो उनका नामांकन हो जाएगा। लेकिन कुछ विद्यार्थियों का सवाल क्या है CBSE वालों का कि सर हम तो CBSE बोर्ड से आए हैं तो हम उसी बोर्ड का सिलेक्शन, उसी स्कूल का सिलेक्शन कैसे कर सकते। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप तो बिहार दूसरे बोर्ड से आए हो तो आपको तो इसको यहाँ आपका तो ऑलरेडी पहले कोई स्कूल है ही नहीं, तो आप जिस पंचायत में हो, यहाँ आप जिस ग्राम में हो, जिस गांव में हो और जिस पंचायत में आपका घर है, उसी पंचायत में जो प्लस टू स्कूल है उस स्कूल में ऑनलाइन का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में फर्स्ट कॉलेज सिलेक्शन में आपको देना होगा। आप समझ गए होंगे मेरी बात को, आपका घर जिस पंचायत में है उस पंचायत में जो प्लस टू स्कूल आपके घर के नज़दीक में है या जहां भी आपके पंचायत लेवल में, वही फर्स्ट कॉलेज सेलेक्ट आपको करना होगा, ठीक है, तो उसमें आपका नामांकन हो जाएगा। यदि फिर आप गलती कर जाते हैं CBSE और ICS या अदर बोर्ड वाले बच्चे तो आपका नामांकन नहीं हो पाएगा। इसी वजह से मैंने कहा है कि आपका नामांकन नहीं हो पाएगा। CBSE वाले बच्चों जो है वो, उनका तो कोई अपना कॉलेज पहले से या स्कूल यहाँ है ही नहीं, तो वो जो करेंगे वो ऑनलाइन पे OFSS के माध्यम से पोर्टल खुलेगा और वो जितना जल्दी हो सके 20 तारीख तक वो शाम 5 बजे तक साइट खुला रहेगा, 20 तारीख तक वो अपना ऑनलाइन पे जो है वो नामांकन करवा ले, अपने आप को रजिस्टर कर ले और कॉलेज अपना नियर सेलेक्ट करे, तब उन विद्यार्थियों का नामांकन और मेरिट लिस्ट में आ सकता है। बात रही मेरिट लिस्ट की, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर मेरिट लिस्ट कब आएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों अभी तो OFSS 11th नामांकन के लिए जो है पोर्टल तो खुला हुआ है, तो जब पोर्टल खुला हुआ है तो आपको मेरिट लिस्ट अभी नहीं आएगा, ये बात तय हो चुका है। कब आएगा सर, देखिए 20 तारीख को CBSE और ICS बोर्ड के लिए पोर्टल बंद किया जा रहा है। बंद होने के बाद जहां भी सीट बचा हुआ था वहां CBSE और ICS वाले बच्चों को पैकअप कर दिया जाएगा, उस सीट पर इसको भेज दिया जाएगा। उसके बाद 20 तारीख के बाद यानी 20 मई के बाद आपका जो है वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट को जारी किया जाएगा और उस फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका जो है नाम आएगा और उस नाम में आने के बाद जो है आपको अपने ही विद्यालय में, चाहे आपने उसका नाम दिया नहीं दिया, आपको अपने ही विद्यालय में आपको अपना नामांकन करवाना होगा। तो मेरे जितने भी नए विद्यार्थी हैं CBSE बोर्ड से आए हुए हैं या ICS बोर्ड के या उधर कोई भी बोर्ड के विद्यार्थी है, अगर उनको समझ में आ गया हो, उनका कोई और भी प्रश्न हो तो वो हमसे पूछ सकते हैं कॉमेंट के माध्यम से। हम अगला वीडियो बना करके उस बच्चे को एक्सप्लेनेशन देंगे और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर कर देंगे ग्रुप के माध्यम से। और एक बार फिर विनती है CBSE और ICS बोर्ड के विद्यार्थी जितने भी हैं वो 20 तारीख से पहले नामांकन करा लेंगे, वरना आपका हाथ से बिहार बोर्ड में नामांकन चला जाएगा। तो इस वीडियो को फैला दो पूरे बिहार में, जितने भी CBSE बोर्ड के बच्चे उन तक पहुँचना चाहिए, स्टेटस के माध्यम से, ग्रुप के शेयर के माध्यम से, जैसे भी हो आप पूरे बिहार में फैला दो। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो पूरा देखने के लिए। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को हिट कर लेंगे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिलता रहेगा। तो चलिए दीजिए अपने हस्तांतरण को इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।